हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच पोयम लेसन नंबर 6। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या दिया है इधर, सॉरी अभी हम देखते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ओके चिल्ड्रेन, अब हम देखेंगे इनके कवि का नाम। कवि का नाम क्या है चिल्ड्रेन? रमेश दत्त शर्मा, रमेश दत्त शर्मा। अब हम देखेंगे परिचय, परिचय देखेंगे हम। परिचय में क्या है? जन्म 1949, जलेसर एटा उत्तर प्रदेश, जलेसर एटा उत्तर प्रदेश। और मृत्यु 2012, मृत्यु कब हुई है? 2012। अब देखेंगे परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। मतलब उनको विज्ञान लेखन में दर्जनों से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मतलब ये जब 7-8 में थे तभी से इन्होंने ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखेंगे पद्य संबंधी। पद्य संबंधी में क्या है चिल्ड्रेन? प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सी कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। ओके चिल्ड्रेन, कल्पना पल्लवन, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। अब देखो, जो मधुर वाणी होती है ना, वो सामने वाले इंसान को खुश कर देती है, उसके तरफ मतलब वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है आपके वाणी से, आपके वचनों से। ओके चिल्ड्रेन, तो इस लेसन में कवि ने क्या बोला है कि हमें किसी के भी साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, और जो हमारे आचार विचार हैं उनके प्रति बहुत अच्छे होने चाहिए, और हमें सरलता से काम लेना चाहिए, ये नहीं कि बहुत गुस्से से काम लेना चाहिए, नहीं, और हमें बोलने से पहले, कहने से पहले सारी बातों को सोच समझ के तब किसी से बोलना चाहिए। ऐसे कवि ने इस लेसन में दर्शाया है। अब हम इस लेसन को देखते हैं, सॉरी पोयम को देखते हैं। तो नाउ स्टार्ट पोयम, फर्स्ट स्टेंजा क्या है देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में क्या है सीख लीजिए, है ना चिल्ड्रेन। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब देखो ये कितना ही सिंपल और सरल वर्ड है, तो कवि ने अपने वचनों को किस तरह से इसमें वर्णन किया है वो हम आपको बताएंगे। कि वाणी मीन्स मधुर वाणी, शहद घोलना मतलब मीठा बोलना, है ना, मीठा बोलना ये हमें सीखना चाहिए, और प्यार से बोलना सीखना चाहिए। तो कभी क्या बोलते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद के जैसा मिठास लाओ,
कवि क्या कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद के जैसा मिठास लाओ या मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। अर्थात क्या है मधुर भाषी, मतलब कि बहुत अच्छा बोलो, मीठा बोलो, इसका मतलब ये है। और तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, मतलब अपने सामने वाले से तुम मीठे शब्दों में बात करो, ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि क्या वो बोल रहे हैं कि जब भी बोलो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। देखो प्यार से बोलना सीख लीजिए, बोल रहे हैं कि जब भी बोलो प्यार से बोलो। आई होप आपको टू लाइन का समझ में आ गया होगा। तो अभी हम सेकेंड स्टेंजा पे चलते हैं। ओके चिल्ड्रेन, चुप रहने के बड़े फ़ायदे, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब कवि कहते हैं कि अगर आप चुप रहते हैं तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हाँ आप इतना भी चुप मत रहो कि वक्त आने पे जुबां आपकी खुले ना, उसको भी खोलना उतना ही ज़रूरी है। अब देखो मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताती हूँ, अभी आपको मैंने अपने शब्दों में बताया, अब बताती हूँ कि ये जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अभी देखो ना चुप रहने के बड़े फ़ायदे, इसका मतलब जब आपकी बोलने की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो तभी आप बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है, अनेक अवसरों पर क्या होती है आवश्यकता नहीं होती है तो भी आप लोग क्या करते हैं बोलने लगते हैं। तो उस समय जब आवश्यकता नहीं हो तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं, मतलब जब हमारी जहाँ ज़रूरत नहीं होती है ना तब भी हम किसी को समझाने सिखाने का काम करने लगते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए उस समय। तो हमें क्या करना चाहिए, चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं, चुप रहने के क्या हैं अनेक फ़ायदे हैं, चुप रहने के क्या हैं चिल्ड्रेन अनेक फ़ायदे हैं, है ना। अब वो फ़ायदा कौन सा है वो हम देखते हैं। चुप रहने से हमारी ऊर्जा बचती है, समय बचता है, और उस ऊर्जा और समय को किसी हम सकारात्मक मतलब अच्छे कार्य में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। मतलब इसमें कवि क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो उसके पहले पहले खुद सोचो कि जो आप बोलने जा रहे हो सही है या गलत। अपने आप को, अपने ख्यालों को टटोलो कि तुम जो बोलने जा रहे हो सही है या गलत। अब मैं आपको एकदम स्पष्ट बताती हूँ, कवि क्या कहते हैं कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। अभी मैंने आपको बताया ना आपको कॉमन शब्दों में, तो अभी स्पष्ट भी बता रही हूँ कि किसी को कुछ कहने से पहले अपने शब्दों पे विचार करो फिर बोलो उनको, और बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। मतलब बोलने से पहले अपने शब्दों की तौलने की आदत बनाओ, मतलब अपने शब्द को देखो कि वो शब्द तुम्हारे कैसे हैं, कड़वे हैं कि मीठे हैं, है ना, वो चीज़ आपको आदत उसकी बना। और ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाए। कवि क्या कहते हैं कि ऐसा भी ना हो कि जो आपकी बातें हैं वो सामने वालों को दुख पहुंचाए। तलवार से हुआ घाव देर सबेर भर ही जाता है, किंतु, है ना, किंतु क्या होता है, जो कटु वचन होते हैं ना, कटु वाणी जो होते हैं, जो उससे हुआ घाव होता है वो कभी नहीं भरता है, इसका ये मतलब है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अब देखो तू तड़ाक मतलब झगड़े लड़ाई तो होते रहते हैं, तू तू मैं होते रहते हैं, लेकिन अपने आप को रोकना सीखो, ज़्यादा बोलोगे तो झगड़ा बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताती हूँ कि समय असमय मतलब कभी भी हमें ये याद रहना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी को पीड़ा न पहुँचे, हमारे शब्दों से किसी को पीड़ा न पहुँचे। और इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो
अगर बातचीत के दौरान कुछ हमने गलत बोल दिया है, कुछ मतभेद हो गया है, तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक दूसरे पर क्या करने लगते हैं, हम आरोप लगाने लगते हैं, एक दूसरे को बोलने लगते हैं, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। मतलब झगड़ा बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, खुद ही चुप हो जाना चाहिए, अपने आप को टोक देना चाहिए, वहीं पे चुप हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बातें बढ़नी रहती है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, मतलब झगड़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अब देखिए, कभी क्या कहते हैं कि मतलब किसी को बोलने से पहले, कुछ भी गलत सलत बोलने से पहले, पहले अपने अंदर जो बोलने जा रहे हो उसमें रंग तो घोलना सीख लो, उसमें रोशनी तो डालो। अब देखो, अस्पष्ट शब्दों में क्या है कि मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना कहीं उचित है। मतलब अपने मित्रों से जब आप बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो कौन सी भी परिस्थिति आती है आप उस पर क्रोध के मारे फट पड़ते हैं, बरस पड़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं करके उसके स्थान पर आपको क्या करना है, प्यार का प्रकाश फैलाना है। प्यार का क्या करना है, प्रकाश। और यही उचित है, क्योंकि क्रोध की जो प्रतिक्रिया होती है ना, क्रोध की प्रतिक्रिया में ही क्रोध ही मिलेगा। अगर आप क्रोध करेंगे तो सामने वाला आपसे प्यार नहीं करेगा, वो भी आपके ऊपर क्रोध ही करेगा और बात हाथ से निकल जाएगी, है ना। अगर हम एक दूसरे पे क्रोध करेंगे तो बात क्या होती है, हाथ से निकल जाती है। और इस तथ्य, यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध को बिगाड़ती है। कड़वी बोली क्या होती है, हमेशा हमारे आपसी संबंध को तोड़ती है, बिगाड़ती है, है ना। अब देखो नेक्स्ट, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अब देखो, कभी क्या कहते हैं कि यदि कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं, क्या बोलते हैं कि कटु वचन से अगर आप कड़वी बातें बोलेंगे तो उससे कांटे ही मिलने वाले हैं, रिश्ते बिगड़ने ही वाले। कटु वचन ऐसे ही बीज है, कटु वचन क्या है, ऐसे ही बीज है। मतलब अगर आप मीठे बीज बोएंगे तो मीठा फल खाएंगे, अगर कड़वे बीज बोएंगे तो कड़वा फल तो खाना ही पड़ेगा। तो कवि क्या कहते हैं कि अतः कवि कहते हैं कि जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। मतलब अगर आप कड़वा बोलेंगे, कड़वी बीज डालेंगे, तो उनके फलस्वरूप क्या आपको मिलेगी, कड़वी बीज ही मिलेगी, कड़वी फसल ही मिलेगी। अतः कटु वचनों का त्याग करके, अतः क्या करना है हमें, कड़वे वचनों का, कटु वचनों का त्याग करके, मतलब जो कड़वी बातें हम बोलते हैं उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, और मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। मतलब मीठी, जो देखो गुल रोपना सीख लो, मतलब जो मीठी बोली है उसके पौधे लगाओ तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। मतलब उस तरह के आप फूल बन सकते हो, उगा सकते हो, है ना। मीठे अगर बीज बोएंगे तो मीठा पौधा निकलेगा, मीठा फल खाएंगे आप, है ना। तो अभी हम आगे का देखते हैं चिल्ड्रेन। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि किसी की बातों से हमें बहुत बुरा लग रहा है, तो हमें उस टॉपिक को क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, मतलब बदल देना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है कि कवि क्या कहते हैं कि ये अगर यदि कोई बात बेबात करने लगे तो उस प्रसंग, ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, मतलब आपको दूसरों की बात चुभती है, आपकी उसको चुभती है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्यार से उस बात को प्यार से मोड़ लेना चाहिए, मतलब टॉपिक ही चेंज कर देना चाहिए। और फिर हमें क्या करना चाहिए, मोड़ लेने के बाद और दूसरों को, है ना, फिर सीखो ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। मतलब अगर हम टॉपिक चेंज कर देंगे तो जो हम दोनों की बातें चल रही है वो क्या हो जाएगी, वो टॉपिक चेंज होने के बाद वातावरण चेंज हो, मतलब वातावरण से क्या हो जाता है, जो कटुता होती है ना
जो अच्छी बातें नहीं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, है ना चिल्ड्रेन? आपको ये समझा, आई होप आपको समझा होगा। अब यानी कि नेक्स्ट यानी लास्ट, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अब क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि साथ ही बात, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें क्या करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुचित बात पर होठ सीकर यानी कि चुप नहीं बैठना चाहिए। अनुचित मतलब कि अगर हमें कोई गलत बोल रहा है तो हमें उसे सुन के नहीं लेना चाहिए, हमें उनका खुल के जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। तो कवि का कहने का क्या मतलब है कि अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार कर रहा हो उस समय चुप रहना, चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। मतलब अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है उस समय अगर आप चुप हैं तो आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आप भी अन्याय कर रहे हैं चुप रहकर। तो हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, डटकर उस परिस्थिति का विरोध करना चाहिए ताकि हमें कोई अनुचित शब्द ना बोले। जब हम उसका विरोध करेंगे तो हमें नहीं बोलेगा। तो इस लेसन से चिल्ड्रेन आपको क्या सीख मिली वो आपको हमें बताना होगा, मैंने समझा में। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको ये लेसन समझ गया होगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लेसन है। इसमें आपको अपने ये बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना उसको सुधारने के बारे में दिया है, तो आप वो सुधार सकते हैं इस लेसन को पढ़ के चिल्ड्रेन। तो अभी हम चिल्ड्रेन होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क हमारा क्या है, शब्द वाटिका जो आपको नोट डाउन करना है। ओके, अब हम देखेंगे सूचना अनुसार कृतियाँ करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। अब देखो, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा। अब कवि ने क्या क्या बातें सीखने को कहा था, वाणी में सहज घोलना नंबर वन, नंबर टू प्यार से बोलना, नंबर थ्री ख्यालों को खुद तौलना, नंबर फोर अपने आप को टोकना। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन। अभी देखो, अभी ये क्या है, चुप रहने के चार फायदे। आपको मैंने फायदे बताए ना, कौन से आते हैं, वो आपको खुद से करना है। ओके चिल्ड्रेन, अब मैं आपको बताती हूँ कि कविता की अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो जो अंतिम की चार पंक्तियाँ हैं ना, ये बात बेबात और ये किसने कहा होठ सीकर, वो आपको उसका अर्थ लिखना है जो आप मुझे नोट डाउन करके देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर लिखो, कांटे बोने वाले, ये मैं आपको बता देती हूँ, कटु वचन, चुभने वाली बात बेबात, फटने वाले फटाके की तरह, है ना, फटाके की तरह। अब देखो कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अब यहाँ पे अर्थ दिया है और शब्द दिया है, तो हमें इस अर्थ का शब्द लिखना है। पहला है मधु, मधु का होता है शहद, दूसरे हैं कड़वे, कड़वे के होते हैं कटु, विचार का होता है ख्याल, आवश्यकता का होता है जरूरत। ओके, ये भी आपका कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन। अभी हम देखेंगे भाषा बिंदु, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। यहाँ पे देखो दिया है ना, भारतीय और आस्थावान, व्यक्तित्व स्नेही, बेबाक, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। तो हमें इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय को लिखना, और हम कैसे लिखेंगे, टेबल बना के। हम देखो टेबल अपने इसमें बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 लाइन होगी, और इसमें कितने कॉलम बनाने हैं, जितने हमारे उपसर्ग रहेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि हमको उपसर्ग कौन कौन सा है। इसमें उपसर्ग हम किसमें निकाल सकते हैं, बेबात, बेबात आएगा, बेबात का उपसर्ग क्या होगा, बे, और मूल शब्द होगा बात। और नेक्स्ट क्या है, निरादर, निरादर का क्या होगा, निर, और मूल शब्द होगा आदर। निर पे क्या होगा, र पे हलंत लगेगा ताकि वो आधा र बन जाए। अब है प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति, और मूल शब्द होगा एक। उपसर्ग क्या है, प्रति, मूल शब्द एक। अब देखो सुयोग, सुयोग दिया है ना, सुयोग क्या होगा, सु उपसर्ग, और योग होगा मूल शब्द। तो मैंने उपसर्ग आपको बता दिया है, आपको ठीक इसी प्रकार से प्रत्यय भी करना है, ठीक है। मैं क्योंकि आपके बुक पे इतना ये नहीं है, तो मैं आपको जब पिक्चर क्लिक करके दूंगी तो आपको पता चलेगा।
तो आपको जैसा मैंने ये टेबल बनाया उपसर्ग का, वैसा ही टेबल आपको प्रत्यय में भी बना करके लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, मैंने समझा, में मैंने आपको बता दिया आपको क्या समझा वो लिखना है। और उपयोजित लेखन, यातायात की समस्याएं एवं उपाय, आपको इसके बारे में निबंध लिखना है जो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है चिल्ड्रेन, स्वयं अध्ययन आपको खुद से करना है। हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में प्रत्येक कथाओं का संकलन का मतलब, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ते रहेंगे तभी तो इसका संकलन कर पाएंगे ना चिल्ड्रेन। ओके चिल्ड्रेन, आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये पोयम आपको समझा होगा। ओके थैंक यू।